27 अक्टूबर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में ऋषि सुनक ने जिम्मेदारी संभाली। इतिहास में पहली बार हुआ है कि ब्रिटेन में भारतीय मूल के किसी व्यक्ति ने ये पद संभाला हो। इसके साथ ही ऋषि सुनक के जीवन को लेकर कई किस्से कहानियां सोशल मीडिया से लेकर खबरों में छा गई। बहरहाल इनमें से कई दावे बेबुनियाद और फर्जी भी है। आज के इस वीडियो में ऑल्ट न्यूज आपको ऐसे ही कुछ दावों की असलियत बताएगा। सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो की। ये वीडियो ट्वीट करते हुए कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि ऋषि सुनक ने अपने नए ऑफिस में जाने से पहले दिए जलाए, जबकि News24 ने ये क्लिप ट्वीट करते हुए दावा किया कि ऋषि सुनक ने लंदन के अपने घर में दिवाली के मौके पर दिए लगाए। इस वीडियो का एक फ्रेम फेसबुक पर काफी वायरल है। इस वीडियो की असलियत का पता लगाने के लिए ऑल्ट न्यूज ने वीडियो के फ्रेम को रिवर्स इमेज सर्च किया। ऋषि सुनक ने ये वीडियो 14 नवंबर 2020 को ट्वीट किया था। ट्वीट के मुताबिक साल 2020 में दिवाली के मौके पर उन्होंने घर के बाहर दिए जलाए थे। नवंबर 2020 की द गार्जियन की रिपोर्ट में भी इस वीडियो के बारे में बताया गया है। वहीं भारतीय मीडिया आउटलेट NDTV ने भी इस बारे में ये रिपोर्ट पब्लिश की थी। बता दें कि उस वक्त ऋषि सुनक UK चांसलर थे और उनका रेसिडेंट 11 डॉनिंग स्ट्रीट था। फिलहाल वो UK के प्राइम मिनिस्टर है और उनका रेसिडेंट अब 10 डॉनिंग स्ट्रीट है। अब आते हैं इस वीडियो पर। ये वीडियो ऋषि सुनक का बताते हुए सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है। ट्विटर और फेसबुक पर ये क्लिप ऋषि सुनक पर निशाना साधते हुए शेयर की जा रही है। वीडियो के फ्रेम को रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें जनवरी 2022 की ये रिपोर्ट मिली। इसके टाइटल के मुताबिक वीडियो में डांस कर रहा ये व्यक्ति ऋषि सुनक जैसा लग रहा है। इसे स्पेनिश आइलैंड इबिजा का बताया गया है। इबिजा में मौजूद इस डांस क्लब के ओनर ने ये वीडियो अपलोड किया था। वहीं क्लब के ओनर ने मूल रूप से ये वीडियो 12 जुलाई 2019 को पोस्ट किया था। इसके अलावा हमें ऋषि सुनक की जुलाई 2019 में इबिजा आइलैंड की किसी यात्रा के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली। 15 जुलाई 2019 को ऋषि सुनक के फेसबुक पोस्ट के आधार पर वो क्राउन नॉर्थ एल्टन कार्निवल में थे। अब बात करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में ऋषि सुनक के साथ उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भी है। इसे शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि ऋषि सुनक दिवाली के मौके पर लंदन में मौजूद इस्कॉन टेंपल में गए थे। इसी दावे के साथ ये वीडियो फेसबुक पर वायरल है। वीडियो के बारे में पता लगाते हुए रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें 18 अगस्त 2022 की NDTV की ये रिपोर्ट मिली। आर्टिकल के मुताबिक वो जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर गए थे। ऋषि सुनक ने इस मौके की ये तस्वीर ट्वीट की थी। इस तस्वीर को वायरल वीडियो के फ्रेम से कंपेयर करने पर साफ हो जाता है कि ये वीडियो जन्माष्टमी का ही है। अब आखिर में बात करते हैं इस तस्वीर की। ये तस्वीर शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ऋषि सुनक के हाथों से पुरस्कार ले रहे हैं। इसी दावे के साथ ये तस्वीर फेसबुक और ट्विटर पर काफी शेयर की गई है। जनवरी 2015 में विराट कोहली ने ये न्यूज़पेपर क्लिप फेसबुक पर पोस्ट की थी। इसमें वायरल तस्वीर शामिल है और साथ में बताया गया है कि विराट कोहली को पुरस्कार देने वाले व्यक्ति गेंदबाज आशीष नेहरा है। आशीष नेहरा ने इस तस्वीर के बारे में बात करते हुए ये कहा था। That picture has become more popular because of Virat Kohli, where Virat Kohli is today. If the same picture, I would have clicked, let's say, Chahal. So, or let's say Siraj, like who just started playing. Maybe aap log shayad nahi poochte. Aur agar wohi picture Mahendra Singh Dhoni ke saath ho ya Virat ke saath ho, ki they have achieved so much. I mean, it's a long journey. Definitely, it's like that picture was, I think, maybe 2001, something like that, before or 2003 World Cup, before or after, something like that. It's been a great journey, but it's become more popular because of Virat. मुझे तो लगता नहीं मेरी वजह से हुई। तो
जैसा कि आपने देखा, ऋषि सुनक के प्राइम मिनिस्टर बनते ही और सुर्खियों में आते ही उनको लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जाने लगे। लोग अपने विचार के आधार पर ऋषि सुनक की तारीफ या बुराई करने लगे और इसके लिए उन्होंने पुरानी तस्वीरें या वीडियोस का इस्तेमाल किया।